हिंसक पशु बन गया आज मानो, अरे हिंसक पशु बन गया आज मानो, मनोता के आलम में करता बेदर्दी, आदम खोर खुद गर्ज बन भेड़िया, निहत्थे निरीहों पर ढाता नमरदी, अबला की असमत से खिलवाड़ करके हवस का पुजारी दिखाता हम दर्दी, इंसानियत को पहन भूल जाता, खद्दर का चोंगा कानूनी वर्दी। ए भैया, ई गाना तुलसी कहानियां पत्रिका से लिहल गई बा, तमाम पत्रिका निकलेल आप लोगन पढ़ेलन, आई कहानी तुलसी कहानियां में निकलल है आ ओही पत्रिका से कहानी लिहल बा, आप लोग एक बार इस गाना को सुने देखें बाबू, एक करुण रस का गाना है, आप लोग अगर प्रेम से सुनेंगे वास्तव में दिल को दहलाने वाला चीज है। कहना है एक लाइन यहाँ कव्वाली का टुकड़ा बा, का कव्वाली का टुकड़ा बा भैया, और बढ़ के दा काला पांच से, कव्वाली का टुकड़ा बा कि अरे हवस के खतरनाक चिंगारियों से, हवस के खतरनाक चिंगारियों से, जमी तो जमी ये गगन जल रहा है, के खतरनाक चिंगारियों से, अरे हवस के खतरनाक चिंगारियों से, जमी तो जमी ये गगन जल रहा है, किसी की जवानी, किसी की जवानी सती हो रही है, अरे किसी की जवानी सती हो रही है, तो किसी का कुंवारा बदन जल रहा है, किसी का कुंवारा बदन जल रहा है, कभी जी गरीबी के ऊपर दिहलन लाइन के दिहलन हका कि अरे बेबस हो के आंसू बहाती है धरती, अब बेबस हो के आंसू बहाती है धरती, वतन की फिजा बेरहम हो गई है, अरे बेबस हो के आंसू बहाती है धरती, बेबस हो के आंसू बहाती है धरती, बेबस हो के आंसू बहाती है धरती, अरे वतन की फिजा बेरहम हो गई है, गरीबी में कोई कहीं घर जलाता, गरीबी में कोई कहीं घर जलाता, कहीं लोभी नियत बेशरम हो रही है, कोई कहीं घर जलाता, अरे कहीं लोभी नियत शर्म हो गई है, कोई घर जलाता। कहना है कभी काम कि पूछो गरीबों से गरीबी कैसी होती है, भूख लाचारी की तहजीब कैसी होती है,
घर कपड़ा ना भोजन बिना कंगाल रहे, शहर बनारस में नौमी पंडा का हाल रहे। मालती पत्नी घर में सुंदर एक लुगाई थी, मालती पत्नी घर में सुंदर एक लुगाई थी, बेटा एक तीन बेटी को जन्माई थी। बेटी सुनाता बेटी सुनीता जब 16 बसंत पार किया, शादी की फिक्र बढ़ी बाप को लाचार किया। मार ए भैया इहवां से बात तनी समझ ला। यही बनारस के अंदर एक नौमी पंडा जी रहत रहलन, बड़ी गरीबी हालत रहे। देखें ये पत्रिका में प्रमाण मिला या आप लोग अपनी आंख से देखते भी होंगे, बनारस काशी के अंदर जितने पंडा लोग हैं सुख चैन से रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बाहर भगवान नौमी पंडा का उ दिन दशा कैले रहलन कि वह पंडा जी काशी के घाट पर बैठ के कैसे हूँ आदमी जन के खोज के संकल्प करा के जिंदगी का प्रवस्ती करत रहलन। उनके दुल्हन का मालती ना हुआ भगवान, ओ गरीब परिवार में 3 लड़की 1 लड़का दिहलन। समय बीते लगल गरीबी हालत में समय बीतत बा, लेकिन नतीजा निकलल का यहाँ एक लाइन है तरज बा। का तरज बा भैया? यह तरज का लाइन बा कि अरे हाथ में रुमाल लेके, अब हाथ में रुमाल लेके पोछा ताड़ू गाल हो बब कट में, हाथ में रुमाल लेके पोछा ताड़ू गाल हो बब कट में, कटवले बाड़ू बार हो बब कट में। तनी बात समझ ले धीरे धीरे बिटिया, जब जवान भइल बा कहना बा कि लोभी समाज के बा, अरे लोभी समाज के बा बदलल रिवाज हो दहेज खातिर ना, नाही बैठे कहीं भाज हो दहेज खातिर ना, नाही बैठे कहीं भाज हो दहेज। गरीब ब्राह्मण के सुनीता जौन बिटिया बा धीरे धीरे जवान हो गई, आ जब जवान हो गई तो शादी का बोझ कपड़े पर आ गई। आज नौमी पंडा जी चारों तरफ खोजे लगलन, बर के तलाश में घूमत हुन, कहीं ना भाज बैठल। एक जगह भाज बैठ गई, कौनी जगह पर भाज बैठल बा कि जिला मिर्जापुर छितनपुर के रहवैया, बीरेंद्र दामाद से थमाय दिहले बहिया, पापी दागा बाज मारे, पापी दागा बाज मारे लगे नहीं लाज हो दहेज खातिर ना, गिरल बिटिया पर गाज हो दहेज खातिर ना, गिरल बिटिया पर गाज हो दहेज खातिर ना, गिरल बिटिया पर गाज हो दहेज खातिर ना। ए भैया धीरे धीरे आखिर गईलन मिर्जापुर के बगल में, एक मिर्जापुर के बगल में एक छोटे गांव छितनपुर बा, वही छितनपुर में जाके बीरेंद्र का तय कर दिहलन। लड़का का नाम बीरेंद्र बा, बीरेंद्र से शादी तय हो गई। आखिर बाबूजी किसी तरह से अपने बेटी की शादी का बोझ कपार से उतार दिए, सोचलन कि चला एक ठेतल लड़की हटल कपार से, अब ही 2 बिटिया ही ने एक बेटवा हो, जिंदगी के प्रवस्ती करे के बा। अपन समय बीते लगल, लेकिन कुछ दिन बीतले के बाद में भयल का और तनी बढ़ के दा। हाँ एक लाइन तरज बा, का तरज के लाइन बा भैया? ये तरज के लाइन बा कि झूलनी मोरा गढ़ी देर सोनारा, झूलनी मेरा झूलनी मोरा गढ़ी देर सोनारा, लागल झूलानिया के आस जी,
झुलनी मोरा गढ़ी दर सुनारा लागल झुलनिया के आस हो झुलनी मोरा गढ़ी दर सुनारा लागल झुलनिया के आस हो भाई तनी गनवा का बात समझ ला कि कुछ दिन बीतली समैया कुछ दिन बीतली समैया पड़ली विपतिया के मार हो बीतली समैया पड़ली विपतिया के मार हो पड़ली समैया पड़ली विपतिया के मार हो ए बाबूजी आखिरो नौमी पंडा पर विपत आ गई का भी पता इलबा कि अचके में छूट गईला पंडा के परानावा अचके में छूट गईला पंडा के परानावा अचके में छूट गईला पंडा के परानावा उजरल सुहाग तुअर हो गईले लाला नावा उजरल सुहाग तुअर हो गईले लाला नावा उजरल सुहाग तुअर हो गईले लाला उजरल सुहाग तुअर हो गईले लाला नावा उजरल सुहाग तुअर हो गईले लाला नावा उजरल सुहाग तुअर हो गईले लाला नावा भुखिया से तड़प शरीरिया पड़ली विपतिया के मार दी भुखिया से तड़प शरीरिया पड़ली विपतिया के मार हो ए बाबूजी गौर करी हन कुछ समय बीतले के बाद एक दिन उ नौमी पंडा बीमार रह लगलन आ नतीजा ई आयल कि आज नौमी पंडा के मौत आकर कगार पर खड़ी हो चुकी कुछ दिनों के बाद एक रोज ऐसी स्थिति आई कि नौमी पंडा अपने छोटे छोटे बच्चों और अपने पत्नी को छोड़ करके इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा जब चल दी हलन आज बाबूजी गरीबी हालत में अकेले मेहरारू मालती करे का चार छे बचवा हुन छोटे छोटे लड़का हुन आखिर दुल्हिन का करे नतीजा निकलल का बाबू कि बालू के भीत जैसे गिराली पीरितिया बालू के भीत जैसे गिराली पीरितिया बालू के भीत जैसे गिराली पीरितिया ससुरा सुनीता मारा सहे दुरगतिया ससुरा सुनीता मारा सहे दुरगतिया ससुरा सुनीता मारा सहे दुरगतिया मायके खेदैली चिरैया मायके खेदैली चिरैया बनली विपतिया में भार हो मायके खेदैली चिरैया बनली विपतिया के भार हो मायके खेदैली चिरैया बनली विपतिया के भार हो ए बाबूजी आज नतीजा ऊ निकलल बा आज नतीजा ऊ निकलल बा कि अब धीरे धीरे समय बीते लगल किसी भी तरह गरीबी में वो बेचारी अपने लड़कों को लेकर के जिंदगी की परवस्ती करती थी जिंदगी की परवस्ती करती थी आज ओ छोटे छोटे बच्चे हैं गरीबी में दिन बीता ताटे आज अब गरीबी में दिन बीते लगल एक दिन ऊहो समय आयल एहवर जवना लड़किया के नौमी पंडा सुनीता जेकर नाम बा मिर्जापुर छप्पनपुर गाँव में शादी कैले रहलन आज उसका पति बाबूजी देखे गद्दार निकल गया मारपीट करने लगा दहेज के लोभी बन गया सोच रहा था कि सब मेरे साथियों को दहेज मिला है लेकिन हमारे ससुरार में हमर ससुर कुछ ना दिहलन ऐसे पति पत्नी के बीच मनमुटाव होखे लगल एक तीनू नतीजा आ गई कि वो गद्दार वो नौजवान उस सुनीता को छोड़ दिया सुनीता रोती हुई बिलकती हुई अपने फिर मायके चली आई आज हम मायके अइलिन हम ओ समय के बात मिलल का भैया आ यहाँ एक लाइन तरज बा कवन तरज के लाइन बा भैया यह तरज का लाइन बा कि ये रामा पनिया में के बुड़ुआ ये बा
ए रामा पनिया में के बुड़ुआ ये बाबा तानी तू सहैया हो जा हो राम सहैया हो जा हो राम ओहो हो के राम पनिया में के बुलाए बाबा यह तरज के लाइन बहै तनी गनवा के बात तनी समझला कि ए राम बाबतपुर में मंगारी नतीजा निकलल का कि ए राम बाबतपुर में मंगारी बेटी की सगैया भैली हो राम ए राम बाबतपुर में मंगारी बेटी की सगैया भैली हो रिश्ता टूटल लालू जमाई रिश्ता टूटल लालू जमाई रिश्ता टूटल बिटिया मतारी के किस्मत फूटल बिटिया मतारी के किस्मत फूटल बिटिया मतारी के किस्मत फूटल कूड़ा बिन बिन करती गुजारा कूड़ा बिन बिन करती गुजारा बैरी सिपहिया भैले हो राम बिन बिन करती गुजारा बिन बिन करती गुजारा आज बाबूजी सुनीता मिर्जापुर छत्तनपुर गांव से जब लौट करके आज उसका पति उसको खेत दिया तलाक दे दिया इधर जब आई अपने मायके में बेचारी ओ विधवा उसकी माँ किसी तरह से फिर जुगाड़ लगा करके यही बाबतपुर बनारस के जो बगल में है बाबतपुर एयरपोर्ट हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा के बगल में कोई एक गांव है जिस गांव का नाम है मंगारी अब मंगारी गांव में लालू नाम के लड़का से फिर शादी होकर मतारी तय कर दे लेबे लेकिन धीरे धीरे डेढ़ बरिस गुजरल बा डेढ़ बरिस के बाद खुदा न खास्ते वो जो लालू है वो भी मार पीट करके सुनीता को भगा दिया सुनीता फिर अपने मायके चली आई आ जब मायके आ गईलिन कूड़ा करकट बीन के ओकर मतारी जवन बे कूड़ा करकट बीन के कैसहू लैकन के पोसत बे सुनीता भी बेचारी अपने माँ के संग में कूड़ा करकट बीनना शुरू कर देती है और जब कूड़ा करकट बीन करके जिंदगी की प्रवस्ती करने लगी एक रोज एक घटना घटी आ कवन घटना घटल बा भैया यहाँ एक लाइन तरज बा जौना कैसेट के नाम चकोरी बा चकोरी में गीत गवले बाने लो का गोलन भैया यह तरज का लाइन बा ए दर्जी सीधे बे चोलिया हमार ए दर्जी सीधे बे चोलिया हमार नजरिया बंद कैसे ए दर्जी सीधे बे चोलिया हमार नजरिया बंद कैसे दुकान डहरिया लंबी चल के ए दर्जी सीधे बेचोलिया हमार नजरिया बंद कैसे ए दर्जी सीधे बेचोलिया हमार नजरिया बंद कैसे ए दर्जी हमार नजरिया बंद आज नतीजा निकलल का ये भैया ये बबुनी ए बबुनी ए बबुनी ए बबुनी कैले तू हमारा से प्यार जवनिया उमड़ल बाटे ए बबुनी ए बबुनी ए बबुनी कैले तू हमारा से प्यार जवनिया उमड़ल बाटे ए बबुनी ए बबुनी ए बबुनी कैले तू हमारा से प्यार जवनिया उमड़ल बाटे आज कूड़ा करकट बीन करके फुटपाथ पर उसकी माँ अपने बच्चों को लेकर के जिंदगी बिता रही है लेकिन बाबूजी देखें सुनीता नौजवान थी खूबसूरत थी एक रोज एक नागेंद्र नाम का सिपाही नागेंद्र सिपाही शराब के नशे में भूत है रात में गश्ती दे रहा है और जब सुनीता पर नजर पड़ी है तो यही बोला है क्या
ए बबनी ए बबनी कैले तू हमारा से प्यार जवनिया उमड़ल बाटे ए बबनी ए बबनी ए बबनी कैले तू हमारा से देखत के दिला बेकरार बदनिया उमड़ल बाटे उमड़ल बाटे ए बबनी ए बबनी ए बबनी कैले बू हमारा से प्यार जवनिया उमड़ल बाटे आज बाबूजी देखें ओ बेचारी विधवा मालती अपने बच्चों को लेकर बनारस में किस स्थान पर फुटपाथ में जिंदगी बिताती थी कहना बा कि नशा में नीची बाग टॉप पर में घुस गई ले पतिया नशा में पाके ली है नशा में पाके ले गई ले सिपहिया ए बबनी ए बबनी ए बबनी ए बबनी भूले न सूरत नशा जबकि उतरल बाटे ए बबनी ए बबनी ए बबनी भूले न सूरत तोहार नशा जब उतरल बाटे ए बबनी ए बबनी ए बबनी भूले न सूरत तोहार नशा जब उतरल बाटे आज बाबूजी देखें एक रोज नशा में वो जो अपना कूड़ा करकट बीन करके उसी नीची बाग में रोड पर फुटपाथ पर टाट प्लास्टिक घेर करके बेचारी बच्चों को लेकर गुजर कर रही थी रात में गश्ती में नरेंद्र सिपाही आया है आ करके उसके उस बेचारी के झोपड़ी में घुस गया उस झोपड़े में घुस करके और जा करके उस सुनीता को पकड़ लिया किसी भी तरह से वो बेचारी उसकी माँ मालती हल्ला करती है सुनीता हल्ला करती है उसी समय दो और सिपाही आए गश्ती में और जब दो और सिपाही गश्ती में आए जब देखे हैं नागेंद्र को खींच खांच करके ले गए लेकिन नतीजा निकला क्या बाबूजी तेरी कबाब अरे शरम से रोती काशी नगरी हवस की आग में जल के पानी हो गई मोती कहना बा कि 5 दिसंबर पाना चानबे के रतिया में आयले दागा बाजा दारू पियाले मुदैया करेला बला त पापी करेला बला त पापी बुढ़िया के मारेला त सुनीता सयानी के पकड़े कलैया अधाई के पयरिया रोवेले भर नजरिया हो असोर से दहला गईले पापी नीरा दैया मिट्टी के तेल पूरा देहिया पर डाली दिहले अयगिया लगाया नीचा बनले कसैया आज वो गद्दार बाबूजी दूसरी रोज भी दारू पी करके उन लोगों के झोपड़े में जाता है जा करके जिस समय सुनीता की कलाई को पकड़ा है डांट देती है और जिस समय डांटती है तो साला गद्दार पुलिस नागेंद्र कहता है कि वाह वाह तुम बहुत इज्जतदार बनी हो ना तो यार तेरी सामने मैं तुझे बताता हूँ कि तू कितनी जद्दार है क्रोध में आ करके उसके तन पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया छिड़क करके बाबूजी सलाई जला दिया काठी जब तिल्ली उसके बदन पर पड़ी है आज 16 निकलने लगे उसके शरीर से आज वो लड़की लहक जाती है जब जलन बर्दाश्त ना भइल बाबू उसी तरह जलती हुई भागती हुई रोड पर आई है लेकिन जब उसकी माँ मालती देखी है अपनी बेटी को जलते हुए आज रो करके कहती है क्या कि उठे 16 दहिया मेला हरिया लपके ना रोवे बूढ़िया हो मतरिया रोवे बूढ़िया हो मतरिया
आंसू नजरिया बरसे ना भैया आ जैता सहैया बन के ना देखे लोगवा हो लुगैया देखे लोगवा हो लुगैया के नजरिया तरसे ना देखे लोगवा हो लुगैया के नजरिया बरसे ना उसकी बूढ़ी माँ जो है बाबूजी उसी तरह से जा करके वो जलती हुई नाली में गिर जाती है सुनीता। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ दौड़ती हुई चौक थाने में आई है, आकर के रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन हुआ क्या, अल्हा वाली लाइन झल गई बड़ के दा भैया कहना बा। अरे चौक थानावा में आईली मालती गुजरिया भैया रोई रोई सुनावेली बिपतिया हो सुजान अरे नाली में गिर के तड़फड़ाली छोकरिया ये भैया आई के देखले जब सिपाही और दीवान किसी भी तरह से बाबूजी जब जा करके रिपोर्ट थाना में दर्ज कराती है। आखिर बाबूजी जो दरोगा साहब थे जब ऐसी हरकत को सुने हैं लोग कहने लगे कि वाह वाह ये तो हम लोगों पर कलंक है, वर्दी का नाम धूमिल कर देगा। अंततोगत वह आकर के लोग 6 दिसंबर को बाबूजी वो लड़की मर जाती है, हॉस्पिटल में लोग लाए लेकिन 6 दिसंबर को मर गई। आखिर वो पुलिस को पकड़ा गया, आज वो पुलिस सजाए के रूप में भुगत रहा है, जेल के अंदर दिन काट रहा है। कवि का कहना है क्या कि कफन में बन के लाश जरे यशमसनवा अरे कफन में बन के लाश जरे यशमसनवा दिहले जियते जराय बिटिया के तनवा दिहले जियते जराय बिटिया के तनवा दिहले जियते जराय बिटिया के तनवा। पक्ष विपक्ष दोनों की बातें कैसे होगी साथ, सूर्यनाथ पांडे के जी मायाज केस की जांच, अबला मांगे इंसाफ साबित संविधानवा दिहले जियते जराए बिटिया के तनवा दिहले जियते जराए बिटिया के तनवा दिहले जियते जराए बिटिया के तनवा। गाने का अंतिम लाइन था, कहना है कवि का जय जखार स्वामी जद्दू हबीबुल्ला की फुलवारी कथन करे कवि गंगा सागर सुबास की तैयारी अरे शरम से रोती काशी नगरी यादव ओम प्रकाश ने सार में द्वेष न होती शरम से रोती काशी नगरी